तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम पावर बीआई पे बात कर रहे हैं। अब पावर बीआई पे हम आपके साथ बात करेंगे रिपोर्ट्स बनाने की। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था कि किस तरह से हम डेटा को कनेक्ट करेंगे, क्या सर? जी सर। तो डेटा को किस तरह से कनेक्ट करना है हम लास्ट में सीख चुके हैं, और आज हम अब बात करेंगे कि हम रिपोर्ट कैसे तैयार करेंगे उसके बारे में। जी, तो हमने एक डेटा यहाँ पे लोड कर लिया है। जैसे आप डेटा लोड करेंगे ना, तो ये आपका फील्ड जो है एक्टिव हो जाएगा, और जैसे पिवट टेबल में जितने भी डेटा के फील्ड्स होते हैं वो अपीयर हो जाते हैं, उस तरह से अपीयर हो जाएगा फील्ड आपका, और जितने भी फाइल जितने भी डेटा इंसर्ट करेंगे सबका आ जाएगा, और इस तरह से आप इसको कोलैप्स एंड एक्सटेंड करके अपना फील्ड ला सकते हैं। और ध्यान रखिए इसमें क्या है कि पहले फील्ड को समझ लेते हैं कि फील्ड क्या है। जो आपका फील्ड के सामने इस तरह का कैलेंडर का सिंबल है, इट मीन्स वो डेट है जिसमें सम अप का साइन है वो आपका नंबर है, और जिसमें कुछ नहीं है वो आपका टेक्स्ट है। अब देखिए आईडी पे सम अप का साइन लग गया, जो कि गलत है, क्योंकि आईडी हमारा जो है वो नॉन कैलकुलेटिव डेटा है। तो आप अपने डेटा में जाके उस पर्टिकुलर कॉलम को सेलेक्ट करके यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं कि आपका जो है डेट क्या होना चाहिए। तो मैंने इसको कर दिया कि भाई एक टेक्स्ट होना चाहिए। तो अब यहाँ देखिए आईडी का आएगा सम अप का साइन हट गया। अब यहाँ पे आपके सामने विजुलाइजेशंस है, आपको करना क्या है, ये आपके यहाँ पे पेजेस आप ले सकते हैं। यहाँ पे पेज वन को मैंने यहाँ पे कर दिया रिपोर्ट वन, या कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब मुझे यहाँ इसमें क्या करना है, अपनी रिपोर्ट्स बनानी है। तो सबसे पहले आपको चाहिए क्या ये जान लीजिए। मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ सबसे पहले कि टोटल सेल्स का कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे हमारे पास विजुलाइजेशंस है। तो ये सबसे पहला विजुलाइजेशन जो है स्टैक बार चार्ट, इसी को लेते हैं। तो मैं स्टैक बार चार्ट पे क्लिक किया तो इस तरह का हमारा आ गया। अब इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन इसमें फिल डालेंगे तभी तो डेटा दिखेगी, क्योंकि अभी हमने जस्ट एक विजुलाइजेशन को चूज किया है। सबसे पहले आपको विजुलाइजेशन को चूज करना है, उसके बाद यहाँ पे आप अपना जैसे मुझे नेम वाइज टोटल चाहिए, ये रहा नेम वाइज टोटल जो आप देख रहे हैं एक बार चार्ट के फॉर्मेट में। लेकिन मान लीजिए मुझे नेम वाइज और सिटी वाइज टोटल चाहिए, क्योंकि स्टैक चार्ट एक से ज़्यादा रखता है। तो यहाँ से आप नेम को उठाइए और इसके ऊपर होल्ड कर छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पे नेम का आपको दिख रहा है, ठीक है, okay. कि पंकज इंदर, और ये आपके कलर्स हो गए जो आपके क्या है स्टैटिक बाय चार्ट जो तो वो है ना सर, ये क्या बोलते हैं इनको। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमने नेम को ही नेम रखा हुआ है, और हमने ओके माफ कीजिएगा, हम नेम को ही दो बार रख दिए भाई। तो इसमें क्या करना है, एक्सिस में हमें नेम को रखना है। यहाँ पे आ गया सर, अब आया। उसके बाद सिटी को लेते हैं और सिटी को इसमें छोड़ते हैं। आप देख रहे हैं ये डिवाइड हो गया, क्योंकि स्टैक चार्ट का यूज यही है कि इसमें आप मोर देन वन फील्ड्स को रखेंगे, और फील्ड्स के जो वैल्यू के अकॉर्डिंग, कि जैसे पंकज जो है वो दिल्ली में कितना है, रीजन में कितना है, तो दिल्ली का कलर से मुंबई का कलर ये है तो मुंबई में इतना है, और ये जो कलर है आपका एक कलर मान लीजिए है हमारा जिसका मुजफ्फरपुर का है सर। ये तो पुणे का है ना। हाँ पुणे का है। अब इसमें कन्फ्यूजन हो रही है, तो इसकी फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं कैसे, यहाँ आप देखिए फॉर्मेट्स। तो हर विजुलाइजेशन का एक अपना फॉर्मेट होता है, क्योंकि जो फॉर्मेट जो पेन जो ब्रश का निशान है ना सर जी, इस ब्रश के निशान पे क्लिक करने पे आता है। सबसे पहले हम जनरल की बात करते हैं। जनरल में ये आपका पोजीशन है कि कहाँ पे होना चाहिए, विड्थ कितना चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, ये सिंपल है। उसके बाद हम लेजेंड्स की बात करते हैं, तो लेजेंड्स में आपका जो लेजेंड्स है वो टॉप पे है। मैं इसको अगर मान लीजिए बॉटम कर दूँ तो ये आपका बॉटम आया, समझ गए सर? समझ रहा हूँ सर। टॉप पे बॉटम में बॉटम है। मुझे लेजेंड्स नहीं चाहिए, नहीं देखने हैं, तो आप यहाँ से हटा सकते हैं, यहाँ से लेजेंड हट जाएगा। रखने हैं तो इसकी फॉर्मेटिंग आप यहाँ है टॉप है, टाइटल देना है नहीं देना है,
इसका यूज कर सकते हैं, सिटी है ना यहाँ पे, सिटी को शो करना है नहीं करना है, सिटी टाइटल जो है सो हट गया, लेजेंड नेम सिटी है, या आपको कुछ और करना है, उसका कलर कुछ और करना है, उसका फॉन्ट क्या करना चाहते हो, फॉन्ट की साइज क्या करना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ओके यहाँ पे एक्सिस की बात है, एक्सिस जो ये आपका एक्सिस होता है नीचे जो दिख रहा है, वाई एक्सिस एंड एक्सिस एक्सिस, एक्सिस के भी अपने शो क्या करना, लेफ्ट में करना या राइट में करना है, देखिए ठीक है। में ही सही है सर। हाँ एक्सिस वाई एक्सिस है, कुछ लोग इसको राइट में भी कर देते हैं ना इस तरह से, अच्छा अब उसको राइट में, उसके बाद उसकी कलर कैसी होनी चाहिए, उसका साइज मान लीजिए बढ़ाना है तो आप इसको बढ़ा सकते हो यहाँ से, तो नाम बढ़ जाएगा, और फॉन्ट कैसा होना चाहिए, और इसकी मिनिमम कैटेगरी मैक्सिमम कैटेगरी कितनी होनी चाहिए, मतलब कि होनी चाहिए वो हो गया, इनर पैडिंग मतलब इसके बीच में पैडिंग जो होता है कितना होना चाहिए, और टाइटल रखना या नहीं रखना है, टाइटल में यहाँ से इसको हटा देता हूँ तो यहाँ से टाइटल आपका हट जाता है, ये टाइटल है ठीक है, नेम आपको, आप दिखा। अब ओके टाइटल के जगह उस टाइटल इसलिए होता है यहाँ पे ठीक है, ओके टाइटल शो करना है या नहीं सुना है, शो ओनली टाइटल यहाँ पे दिखता है, उसका एक्सिस का जो ये है एक्सेस का जो टाइटल है ऑटो है, इसका जगह पे अपना लिख दें, जो नेम के जगह पे कुछ और लिखना चाहते हैं आप वहाँ पे लिख सकते हैं, उसकी साइज कुछ और करना चाहते हैं, उससे जो वाई एक्सिस है ये लीनियर है ना, घटते हुए क्रम में होना चाहिए, स्टार ऑटो एंड ऑटो ये अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ चूज कर सकते हो, उसकी कलर बाकी सब सेम है जो है सो, लाइन स्टाइल डॉट डॉट है या कुछ और चाहिए आपके। उसके बाद जूम, जूम मतलब ये आपको जूम करना है या नहीं करना है, जूम का जो बटन है इससे क्या होगा कि आपका जो है जूम होगा, दिख रहा है आपको, ठीक गया सर। ठीक है ओके ठीक है, ओके सर ओके यहाँ से जूम ओके का आप जूम चूज कर सकते हैं। उसके बाद जूम में भी यहाँ पे है कि किस माने कि वाई एक्सिस को करना है या क्या है, स्लाइडर टू डी पे वही है, डेटा कलर, अब डेटा कलर में जैसे कि आप दिल्ली का कलर कुछ और करना चाहते हो, पुणे कुछ और करना चाहते हो, तो हर का कलर यहाँ पे अलग अलग दिख रहा है। डेटा लेबल, जो डेटा लेबल पर जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी सेल्स हुई है इसके ऊपर दिख जाएगा, और उसकी भी अपनी एक फॉर्मेटिंग कि यहाँ पे यूनिट ऑटो होना चाहिए, ये थाउजेंड्स में बिलियंस में क्या होनी चाहिए ठीक है ना, जैसे अभी के में है ना, आप बोलते हैं नहीं नहीं के में ना हो, नन कर देते हैं, तो नन कर देंगे तो पूरा एग्जैक्ट अमाउंट यहाँ शो होगा, पोजीशंस मिडल में है, ऑटोमेटिक अपने हिसाब से एडजस्ट होगा, इनसाइड आउटसाइड आप यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे आपने आउटसाइड कर दिया, इनसाइड सेंटर है आपका, इनसाइड एंड कर देंगे तो एंड से रहेगा इस तरह से ठीक है। ओके सर ओवरफ्लो टेक्स्ट मतलब कि बाहर जा सकता है कि नहीं, बाहर जाने के लिए मना किया है, बाहर नहीं जाएगा। अब आता है कस्टमाइज सीरीज करना है, कस्टमाइज सीरीज में क्या चाहिए आपको, दिल्ली में क्या चाहिए, क्या लिखना चाहते हो, क्या यूनिट देना चाहते हो, एक पर्टिकुलर को फॉर्मेट करना चाहते हो, ऐसे तो फॉर्मेटिंग पूरा हो रहा है ना, बट एक पर्टिकुलर सिटी को अगर आपको फॉर्मेट करना है तो इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है ठीक है। अब आता है टाइटल लेवल, टाइटल लेवल करते हैं तो ये अब साइड में टोटल यहाँ पे आता है, दिख रहा है वो टोटल लेवल जो होता है, तो ये तो इंडिविजुअली हो गई ना, ये आपका टोटल शो करता है लास्ट में। उसके बाद प्लॉट एरिया की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं यहाँ से, टाइटल की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, क्या टाइटल देना चाहते हैं, क्वांटिटी बाई नेम या लिखा हुआ है, इस टाइटल को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं आप, ओके रैप टेक्स्ट करना नहीं करना है, फॉन्ट कलर चाहिए या अलाइनमेंट क्या चाहिए, बीच में चाहिए बीच में कर दी, टेक्स्ट टेक्स साइज क्या होना चाहिए, फॉन्ट क्या होना चाहिए, यहाँ पे बैकग्राउंड, अभी क्या इसकी व्हाइट बैकग्राउंड है ना सर, जी अगर बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव हो जाएगा, तो पीछे की चीज़ें ओवरलैप नहीं होगी, कलर व्हाइट के जगह पर मान लीजिए मैंने इसको कर दिया ब्लू, ये आपका ब्लू कलर हो जाएगा, समझे जी समझ गया।
तो अपने हिसाब से जो कलर चाहिए वो कलर चूज कर सकते हैं यहाँ पे। ट्रांसपेरेंसी में पीछे का एरिया कितना दिखना चाहिए, कितना परसेंट, वो यहाँ पे आ जाता है। ओके ठीक है। बॉर्डर शो करना है नहीं करना है, बॉर्डर बॉर्डर जो लाइनिंग होती है वो हो जाता है यहाँ पे। शैडो देना है, टूल टिप्स होता है, जैसे कि इस पर कर्सर जाते टूल टिप दिखता है ना, वो देना है या नहीं देना है, उसकी ट्रांसपेरेंसी क्या चाहिए। और विजुअल एयर में आता है आपके यहाँ पे विजुअल एयर, विजुअल हीडर, माफ कीजिएगा विजुअल हीडर, उसका बैकग्राउंड हीडर जो है वो होना चाहिए, क्या कलर होना चाहिए, सब चीज़ यहाँ पे आपको दिखाता है। विजुअल हीडर होता क्या है सर? विजुअल हीडर जो एक में जैसे विजुअल हीडर जो होता है ये हर चीज़ पे नहीं होता, अलग अलग चीज़ों पे होता है। जो हीडर विजुअल होते हैं और जी यहाँ पे आपके जो हम चार्ट पे हीडर डालते हैं उस केस में विजुअल हीडर के लिए यूज़ किया जाता है एक में, लेकिन इसमें है नहीं, हर चार्ट में अलग अलग होता है। ओके बैकग्राउंड अगर मैं करूँ तो अगर मैं इसको बैकग्राउंड चेंज करता हूँ दिख गया सर, इसी को कहते हैं हीडर। अच्छा ओके सर। वाइट था ना इसलिए दिख नहीं रहा था सर। हाँ वही में ठीक है ठीक है, ये दिखना है, इसका बॉर्डर क्या होना चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, तो ये फॉर्मेटिंग आपने इसकी कर ली। अब इसमें लास्ट में आता है एनालिटिक्स। अब एनालिटिक्स जो है वो हर चार्ट में अलग अलग तरीके से शो होता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कॉन्स्टेंट लाइन दिखा तो सब में कॉन्स्टेंट लाइन दिखेगा, वो आपकी विजुलाइजेशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करता है जी। तो कॉन्स्टेंट लाइन मतलब हमने यहाँ पे इसको जब ऐड करेंगे तो एक लाइन जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगी लंबी सी, जैसे हमने बोला कि हमारा जो है वो 1000 जो है हमारा ब्रेक लाइन है, देखिए 1000 पे एक लाइन आ गई जी। अब लाइन की कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ तो ब्लैक हो गई ठीक है। ट्रांसपेरेंसी में इसको 100% कर दूंगा तो और ज्यादा गहरा दिखेगा, 0% माफ कीजिएगा 0 पे दिखेगा सर। हाँ लाइन डैश डैश है, इसको सॉलिड कर देंगे तो सॉलिड लाइन आएगी, डॉटेड कर देंगे तो डॉटेड आएगा, और डैश डैश कर देंगे तो डैश डैश आएगा। इन द फ्रंट चाहिए या बिहाइंड चाहिए, समझे? समझ गया सर। ये हो गया। सेम फीचर्स जो है आपको जब इस पे स्टैक कॉलम पे करेंगे तो उसके में भी आपको सारे सेम फीचर्स शो होंगे, दिख रहा है? दिख रहा है सर। उसके बाद अगर मैं इसको एक कर दूं कर्सर कॉलम कर दूं तो कर्सर कॉलम में भी हमारा सेम फीचर्स आएंगे, बस इसमें एनालिटिक्स जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, समझे? सिटी को मैं यहाँ से हटा देता हूँ लेजेंड में से, अब बेटर है जी। तो एनालिटिक्स में आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग भी इसकी भी सारी फॉर्मेटिंग सेम है जो हमने उसको की है जी, और यहाँ एनालिटिक्स में बढ़ जाता है, जैसे कॉन्स्टेंस लाइन हो गई, ऐसी मैक्स मिनिमम लाइन, मैक्सिमम लाइन, एवरेज लाइन, मीडियन लाइन और परसेंटेज लाइन हम कर सकते हैं जी। ठीक है सर। ठीक सर। उसी तरीके से यहाँ आते हैं कर्सर कॉलन पे, तो कर्सर कॉलन का भी आपका जो है यहाँ पे बाकी जो चीज़ आप यहाँ रख सकते हैं लेजेंड वगैरह में जो है सो, और यहाँ जो आपका जो है फॉर्मेटिंग आपका बिल्कुल सेम ही, फॉर्मेटिंग में कोई इसमें चेंजिंग नहीं है। और एनालिटिक्स में जब आते हैं तो इसमें आपको कॉन्स्टेंस लाइन और सेम मैनुअल मिक्सिंग लाइन आता है, उस तरह से आपको ये कर्सर कॉलम कर्सर चार्ट आपका दिख रहा है और बोलेंगे सर दिख कर रहा है इसमें, इसमें थोड़ा सा हमें डालना पड़ता है क्वांटिटी लेजेंड्स में, इसको हमें डालना पड़ेगा। अभी भी नहीं आया। आएगा आएगा, ये जो आपका एक मिनट, इसमें मैंने नेम को रखा, इसमें हमने क्वांटिटी को रखा। इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि हमने जूम कर रखा था। अच्छा ठीक है ना। तो इसमें जब रखते हैं ये जो हमका 100 इसको बोलते हैं 100% स्टैक चार्ट, इसे इसे मान लीजिए कि आपने इसमें सिटी रख दिया, हमने सिटी भी इसके अंदर रख दिया, तो ये बताता है कि पंकज जो है ये आपका मुंबई में 46% और जिला में 56% का सेल किया है, समझे?
तो ये आपका जो लाइनिंग जो है सेम रखता है, बस वो उसके अंदर जो आपने सेकेंड लेजेंड जो दिया है, लेजेंड के कंट्रीब्यूशन के हिसाब से वो परसेंटेज में डिवाइड कर देता है। ठीक, परसेंटेज के लिए यूज होता है। जी हाँ जी हाँ। और फिर ये आपका कॉलम चार्ट, हाँ 100% स्टैक कॉलम चार्ट, सेम चीज कॉलम वाइज कर देता है। ठीक है सर। ओके और इसमें वैल्यू नहीं दिख रहा, लेवल नहीं दिख रहा है, तो डेटा लेवल यहाँ, हाँ ये थोड़ा सा दिक्कत होगी डेटा लेवल में, नहीं दिख रहा है डेटा लेवल, दिखेगा डेटा लेवल। हाँ मैं इसको वापस रखता हूँ, नेम क्वांटिटी, ये जूम है, जूम के कारण दिख रहा है। ठीक है, जूम बटन हटा दीजिएगा ना यहाँ से, कहाँ गया, जूम। गॉट यहाँ, ये थोड़ा सा वो 100% बढ़ गया, जूम था ना इसका, फिर से जूम लाइन लेके फिर उसको कम करना पड़ता, तो मैंने चार्ट ही दोबारा चेंज कर दिया। अच्छा सर, इसमें जितने भी हम चार्ट लेंगे अलग अलग, तो उनकी फॉर्मेटिंग सबकी अलग करनी होगी। जी, वन बाय वन अलग अलग करना पड़ेगा। जैसे हम किसी पे क्लिक करते हैं तो डाटा उधर का चेंज होता है, तो वो शायद लिंक करना पड़ता होगा ना। नहीं, डेटा चेंज हुआ तो अपने आप मिल जाएगा, उससे पता पता नहीं है। अच्छा ठीक है, ओके। तो हमने आज आपके साथ डिस्कस किया ऊपर की विजुलाइजेशन, जिसमें हमने ये लाइन चार्ट्स एंड बार चार्ट्स के बारे में डिस्कस किया। अब इसकी आप प्रैक्टिस कर लें, ताकि अगली क्लास में हम नीचे की लाइनिंग के बारे में बताएंगे। ठीक है सर, ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते ठीक। हैं कल और सेम टाइम। सर 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 सर